चलिए तो क्लास शुरू करने से पहले मैं जितने यहाँ पे लोग हैं मैं उन सबसे एक चीज कहना चाहूंगी कि जो ये रेमेडीज हैं जो जिससे आप सोप बनाओगे ये 101% काम करती है। ओके, इसमें आपको ये नहीं सोचना है सामने वाले की राशि क्या है, सामने वाले की क्या डेट ऑफ बर्थ है, कहाँ पैदा हुआ, क्या बर्थ चार्ट है, कौन सा नक्षत्र, क्योंकि ये जो साइंस है ना ये सारी प्री कैलकुलेटेड आपके सामने रिमेडी आ रही है। ये जो जितनी भी इसके पीछे कैलकुलेशंस है वो मैं कर चुकी हूं, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट देना है सामने वाले को कि भाई ये यूज कर तेरा काम हो जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना कि भाई उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसको कौन सी दशा चल रही है, उसका कौन सा नक्षत्र है, वो कहाँ पैदा हुआ, उसको क्या मतलब, उसकी सिर्फ आपने प्रॉब्लम सुन के दवाई देनी। सारी प्रॉब्लम्स आपके पास लिस्ट होंगी, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास लिस्ट होंगे। आई थिंक मैंने सबको थोड़ा सा परमानेंटली थोड़ा म्यूट रखती हूँ ताकि अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो बाद में तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो। तो मैं ये कह रही थी कि इस कोर्स में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी सामने वाले की बर्थ चार्ट की, कोई उसकी डेट नहीं लेनी, कोई उसका नक्षत्र नहीं पढ़ना, कोई, हम सिर्फ आपको रिमेडीज दे रहे हैं और जो 101% काम करती हैं सोप के रूप में, आपने खाली उसकी सिम्टम सुन के उसको दवाई देनी है। कैसे यूज करना है, कैसे चार्ज करना है, कैसे बनाना है, कैसे उसको देना है, ये सब चीजें आपको कोर्स में बताई जाएंगी। सामने वाले को खाली आपने सोप बना के देना है, उसने यूज करना है, और कब यूज करना है वो भी टाइम भी उसको आप बताओगे। सारी चीजें हर सिम्टम्स के साथ आपको बनानी सिखाई जाएंगी। हमारी जो लास्ट की दो क्लासेस होंगी उसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे, यानी आपको सोप बनाने दिखाए जाएंगे। तब तक आप अपने भी इंग्रेडिएंट्स मंगवा सकते हो और मेरे साथ साथ आप भी बना सकते हो, तो आपका जो एंड प्रोडक्ट निकल के आएगा और जो मेरा निकल के आएगा हम मैच कर सकते हैं। तो हर चीज हम खाली यहाँ पे नर्व्स पकड़ के दवाई देंगे, हमें नहीं जानना उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कहाँ पैदा हुआ, उसके साथ क्या चल रहा है। वो खाली ये बोलेगा भाई मेरे को सिर में दर्द है, आप सिर की दवाई दे दो। भाई सिर में तेरे क्या हो रहा है हमें नहीं जानना, क्योंकि प्री कैलकुलेटेड ये साइंस मैं आपके लिए लेकर आई हूं। इस पे मैंने 5 साल रिसर्च करी है, हर कॉम्बिनेशन, हर राशि के कॉम्बिनेशन पे मैंने बना के टेस्ट करके तभी ये साइंस में आपके आगे लेकर आई। कितनी ड्यूरेशन में उसको फर्क आएगा ये भी मैं आपको जब हम सोप्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसमें आपने ये देखना है कि इवेंट का जो ड्यूरेशन है, अब ये ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर ऐसा कोई जादू हो हमारे पास तो हम तो बहुत कुछ कर लें, ऊपर वाला है ना जादू करने के लिए, हम जादू नहीं करते, हम सिर्फ मेहनत करते हैं। तो वो जो इवेंट का जो ड्यूरेशन है कि भाई वो लॉन्ग कितना है, वो इवेंट कब कितने टाइम में अपना खत्म होता है, उस ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए आपने उसको ये थेरेपी प्रपोज करनी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। ठीक है, अगर किसी को लैंग्वेज का कुछ इश्यू हो क्लास में तो वो प्लीज पूछ सकता है। आई कैन रिपीट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, मेरी रिपीट करने का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यू कैन आस्क एज मेनी एज क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, लेकिन मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब मैं सोप आपको पढ़ा रही हूं तो मुझसे ये नहीं पूछिएगा कि भाई इसमें ये क्यों डला, क्योंकि वो प्री कैलकुलेटिव है, वो पूरा कैलकुलेशन 5 साल पहले हो चुका है। उसको अगर मैं पढ़ाने बैठी तो आप सबके ऊपर का दिमाग खाली हो जाएगा, आप फिर यहां से कुछ नहीं ले जा सकोगे। ये सारी साइंस बेस्ड ऑन लॉजिक्स है,
ये सारी साइंस बेस्ड ऑन हर्ब्स एंड ऑयल्स है, और जो काम करते हैं, दशाएं पहले से ही कैलकुलेट हुई हुई हैं इवेंट को काम करवाने के लिए, ग्रह पहले से ही कैलकुलेट हुए हुए हैं इवेंट में उस बंदे को फायदा करवाने के लिए हर्ब्स के माध्यम से, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ उठा के उसको सौंप देना। आप अपने ऊपर भी यूज कर सकते हो, अगर आपको वो सिम्टम्स हैं तो आप अपने ऊपर भी यूज कर सकते हो। ये सेफ सेफ थेरेपी है, मैं खुद यूज करती हूँ, मेरे हस्बैंड यूज करते हैं, बच्चे यूज करते हैं, मेरी फैमिली मेंबर सारे सोप्स मेरे ही यूज करते हैं। आपके घर में बीमारी है, बीमारी के लिए भी आप सोप बना के यूज कर सकते हो। ऐसा इसमें कोई भी बैकफायर नहीं है, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ये कोई तांत्रिक उपाय नहीं है, ये सब बेस्ड ऑन साइंस एंड लॉजिक के साथ ये सोप्स प्रिपेयर किए गए। कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं देता ये, कोई आपको एलर्जी नहीं देगा ये, क्योंकि ये सब हर्ब्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उस पे बेस्ड है। तो आपने सिर्फ इसको बना के सामने वाले को देना है। आप इस पे अपना नाम लगाओ, इसकी पैकिंग कितनी भी खूबसूरत बनाओ, वो बल्कि मुझे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इसको रिसर्च मैंने खुद किया है। मेरे को ये रिसर्च इसलिए करने की जरूरत पड़ी बिकॉज मैं ऐसी कंट्री में बैठी हूँ जहां पे मेरे पास क्लाइंट्स मुस्लिम्स बहुत आते हैं, और हम अपना धर्म का उपाय उनको नहीं दे सकते, तो मुझे इसलिए इस साइंस की रिसर्च करने की जरूरत पड़ी, ताकि मैं क्लाइंट्स के लिए, हर रिलीजन के क्लाइंट्स के लिए मैं ये कुछ उनको दे सकूं। लोगों को 10 दिनों में भी फर्क आया है, लोगों को 72 आवर्स में भी फर्क आया है। सारे सिम्टम्स जो कि हमने कोर्स में मेंशन किए थे वो सब कवर होंगे और उससे ज्यादा ही कवर होंगे। लाइफ में जो जो प्रॉब्लम आज इंसान झेल रहा है वो सारी प्रॉब्लम्स उसमें आएंगी। इनकेस हमारी इस जर्नी में अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज आ जाती है कि भाई वो आपको उस मेरी सिम्टम्स में ना दिखे, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ब्रिंग इट अप, ताकि मैं उसकी भी रिसर्च करके आपको दे सकूं कुछ। क्योंकि जो मेरे दिमाग में चला और जो मेरे पास क्लाइंट्स आए पिछले 5 सालों में, तो मैंने उस हिसाब से रिसर्च करके आगे उनको बढ़ाया। क्योंकि मुस्लिम्स में किसी के पास डेट ऑफ बर्थ है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास टाइम है, किसी के पास नहीं है, तो ये जो पूरी साइंस जो बनी वो पहले ही प्री कैलकुलेशंस पे बनी, और जो उसका एंड रिजल्ट है वो सोप में आया, और जो सामने वाले ने खाली यूज करना है। जो मेरे यहाँ पे लाल किताब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि इसको लाल किताब से बिल्कुल नहीं जोड़ना, ठीक है, दिमाग में अपने ग्रह नहीं जोड़ाना, ओके। ये सीधा आपने सिम्टम्स पकड़ने हैं और देना है, विनोद कुमार जी खास करके आपके लिए, ओके। भूल जाओ, लाल किताब अलग है, केपी अलग है, और ये रिमेडीज अलग है। ये रिमेडीज आपको रेडीमेड तैयार करके आपने सिर्फ सामने वाले को देनी और उसका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, पीडीएफ आप लोगों से एंड ऑफ द क्लास में जब हम प्रैक्टिकल करने पर आएंगे तो उससे पहले शेयर हो जाएगा, ताकि आप लोग और जो जो सामान आपको नेक्स्ट क्लास में हमें चाहिए होगा वो भी आपको पहले ही ग्रुप पे बता दिया जाएगा। प्लस इसकी अपनी कुछ वीडियोस जो कि सोप बनाते हुए जो वीडियोस होंगी वो आपके लिए शेयर ऐप पे करी जाएंगी, ताकि आप लाइफ लॉन्ग उसको एक्सेस कर सको। कोई भी बनाने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये ग्रुप ओपन ग्रुप है, आप लोग अपने व्यूज शेयर कर सकते हो। इन केस आपको कोई इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा तो वो भी आप ग्रुप में बेशक आप लिखो, अगर मेरे पास उसका कुछ सब्स्टिट्यूट होगा आपके शहर में मिलता होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगी।
क्योंकि ये पूरी एक थेरेपी है और इस थेरेपी को हमें आगे लेके जाना है। अगर आपको कुछ भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम, अपने ग्रुप में मैसेज करो, मैं आप सबकी मदद करूंगी। ठीक है, चले मैं स्क्रीन शेयर करती हूं। इसको मैंने नाम दिया नक्षत्र थ्योरी एंड रेमेडीज। थोड़ा शुरू में आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी नक्षत्र की, विच आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये स्लाइड्स आपको सारी मिलेंगी। इसको हम कहाँ यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। देयर आर 27 नक्षत्र और 27 कॉन्स्टिलेशंस इन द यूनिवर्स। होल ऑफ एस्ट्रोलॉजी बिगिंस विद दीज नक्षत्रस एंड ईच नक्षत्र हैज इन ओन लॉर्ड एंड द राशि लॉर्ड विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल दीज काउंटेबल स्टार्स आर ग्रुप्ड इन 27 ग्रुप स्टार्स फ्रॉम अश्विनी टू रेवती। सिंपल में अगर हम ये जानते हैं कि भाई हमारे 27 नक्षत्र हैं जो कि यूनिवर्स में एक स्टार्स की तरह है, तारे माने जाते हैं, उन तारों के अपने अपने भगवान हैं और उन तारों के अपने अपने ग्रह जो कि उनको गवर्न करते हैं वो हैं। जब ग्रह जिन नक्षत्र को गवर्न करता है उससे रिलेटेड हमको इश्यूज और उससे रिलेटेड हमको हैप्पीनेस दी जाती है। तो इस थ्योरी पे ये चीजें पहले तो बेस्ड है कि भाई नक्षत्र ही सारे काम करवाता है, ग्रह जो है वो नक्षत्र के अंदर काम करते हैं और नक्षत्र जिसमें आप पैदा होते हो वो नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है, वो किसी रीजन से आपको आया है तभी आप उस समय पैदा हुए जिस समय वो नक्षत्र चल रहा था। तो ये एक सिंपल सी वो है, इसके आगे आपको नक्षत्र के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो कि भाई हमारे नक्षत्र के नाम क्या है, हमारे पहले नक्षत्र, क्योंकि हमारे सोप्स के नाम भी इन्हीं नक्षत्रों के नाम पर होंगे, तो इसीलिए आपको नक्षत्र को देखना है कि भाई पहला नक्षत्र अश्विनी आता है। याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे आप सोप बनाते चले जाओगे आपको सोप्स के नाम याद रह जाएंगे, नक्षत्र के नाम भी अपने आप याद आ जाएंगे।